हिमाचल में लॉकडाउन होने के बाद हमीरपुर जिला में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्ती की जा रही है। इसी के चलते अब प्रशासन के साथ पुलिस भी सड़कों पर निकलकर लोगों को समझाने के लिए आगे आई है। हमीरपुर सदर SHO संजीव गौतम की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर निकलकर आवाजाही कर रहे लोगों को समझाया और कोरोना वायरस से बचने की सलाह दी। वहीं SHO ने दुकानों में जाकर भी मास्क ग्लव्स पहनकर काम करने की हिदायत दी है। SHO संजीव गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव में ही बचाव है और इसके लिए पुलिस भी सड़कों पर निकलकर लोगों को समझा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। इस अवसर पर SHO संजीव गौतम ने सड़कों पर बिना वजह वाहनों को लेकर आने जाने वाले लोगों को भी जमकर लताड़ लगाई और आपदा की घड़ी में घरों में रहकर वायरस से लड़ने के लिए कहा। ये अभियान कोरोना को, जैसे कि आप हम सभी को विदित है कि कोरोना एक विश्व में महामारी के रूप में उभर के सामने आई है, इसकी सुरक्षा उपायों को लेके हम सभी दुकानदारों को, जिनमें जो नेसेसरी फूड आइटम्स हैं, जो भी लिस्टेड लिमिटेड दुकानें हैं वही खुली हैं, तो उन दुकानों पर, उन संस्थानों पर हम जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि अननेसेसरी भीड़ ना हो और लोग उचित दूरी बना के रखें। इसके लिए दुकानदारों से हमने आग्रह किया कि वो साइन बोर्ड लगाएं और ग्राहकों को उचित दूरी बना के रखने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम इस संक्रमण को आगे फैलने से बचा सकें और स्टेज 3 में इसको जाने से रोक सकें। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस का यही मंतव्य है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।